हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अ रिक्रूटमेंट दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज निकल कर आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के लिए इन्होंने एप्लीकेशन मांगे हुए हैं। तो ओपनिंग डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 24 अप्रैल से एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं। 24 अप्रैल को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 22 मई रखी गई है। तो इसमें देख सकते हैं आप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टेक्निकल ऑफिसर्स की 181 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है और टेक्नीशियन की 24 वैकेंसी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सैलरी भी अच्छी खासी पे कर रहे हैं। टेक्निकल ऑफिसर्स की 56,100 और साइंटिफिक असिस्टेंट की 35,400 और टेक्नीशियन बी की 21,700। फिर यहाँ पर दूसरी वैकेंसीज जो निकल कर आ रही है वो ट्रेनिंग स्कीम, तो ये डिप्लोमा वाले के लिए कैटेगरी वन और कैटेगरी सेकेंड। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वन के लिए 1216 वैकेंसीज है और कैटेगरी सेकंड के लिए 2946 वैकेंसीज है। और यहाँ पर स्टाइपेंड आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर सी की। तो इसमें कैटेगरी, इन्होंने कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। और यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या कहा होनी चाहिए आपके पास, तो देख सकते हैं यहाँ पर बी ई बी टेक के लिए भी वैकेंसीज़ है, आर्किटेक्चर के लिए, केमिकल के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए भी ये वैकेंसीज़ है। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के लिए, यहाँ पर टोटल एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए है। और बी ई बी टेक केमिकल के लिए बात करें तो टोटल वैकेंसीज आर 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 है और अनरिजर्व के लिए 10। ओके, और अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 12 हैं। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप, ओबीसी के लिए 6 है और अनरिजर्व के लिए 2 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3 है। और इसी तरह ड्रिलिंग के लिए भी वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज 8 है अगर आपके पास मैकेनिकल है ड्रिलिंग में। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर टोटल 23 वैकेंसीज हैं। एंड इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड देन देयर आर टोटल 15 वैकेंसीज। एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए 8 वैकेंसीज है। और अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में टोटल वैकेंसीज आर 44। ओके, एंड टोटल वैकेंसीज 44 हैं जिसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप, एससी के लिए 8 वैकेंसीज है और एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 11 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और अनरिजर्व के लिए सबसे ज़्यादा 15 वैकेंसीज हैं। और मेटलर्जी के लिए आप देख सकते हैं, माइनिंग के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर बी बी टेक वालों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू वर्क विद बार्क। ओके, और यहाँ पर और अदर वैकेंसीज है आप देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक दूसरा सेक्शन में साइंटिफिक असिस्टेंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें इन्होंने एक फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन में होना चाहिए। तो इसमें डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, बीएससी होनी चाहिए इसमें फूड टेक्नोलॉजी या होम साइंस न्यूट्रिशन में। और साइंटिफिक टेक्नीशियन बी की आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें एसएससी होना चाहिए प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर और अदर वैकेंसीज हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बीएससी होना चाहिए प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। टोटल वैकेंसीज 25 हैं, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने आगे दिया हुआ है ये जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए,
एसएससी होने चाहिए विद साइंस एंड मैथ्स विद अ मिनिमम 60% इन एग्रीगेट, प्लस आपके पास जो रिलेवेंट ट्रेड है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज है, देखें आप देख सकते हैं 698-213 फिटर के लिए हैं, टर्नर के लिए, वेल्डर, मैकेनिक, सब के लिए यहाँ पर। आप अगर बात करें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए यहाँ पर 95, और यहाँ पे भी इन्होंने 12th मांगी हुई है जिसमें आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैकेनिक मोटर की भी वैकेंसीज हैं, प्लम्बर की हैं, देयर आर वेरियस वैकेंसीज यू कैन अप्लाई ओवर हियर। इलेक्ट्रिशियन की भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिशियन की आपके पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एज लिमिट की बात देख सकते हैं आपकी, मैक्सिमम एज टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर के लिए 35 होनी चाहिए, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30, और टेक्नीशियन की थोड़ी एज कम है, 25 रखी हुई है यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड का, सिलेक्शन मेथड के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि टेक्निकल ऑफिसर का जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा, लेकिन अगर यहाँ पर एप्लीकेंट ज़्यादा हुए हैं, एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा हुए तो फिर वो एक कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वे शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को। तो यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड विल कम्प्राइज ऑफ 40 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द कैंडिडेट इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर्ड इन द स्क्रीन टेस्ट, दैट इज द डिसीजन ऑफ दिस सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ टेक्नीशियन के लिए एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, स्टेज वन के लिए स्टेज वन होगा और स्टेज टू होगा, स्टेज थ्री में स्किल टेस्ट, स्टेज टू में एडवांस टेस्ट, स्टेज वन में प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। और प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड यू विल बी गिवन 20 क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड यू विल बी गिवन 10 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पर आप देख सकते दिस थिंग इज नोटेड के अगर आप 3 marks विल बी awarded फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 mark विल बी deducted फॉर ईच incorrect आंसर। तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। एडवांस टेस्ट का इन्होंने दिया हुआ है, एडवांस टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर यू कैन सी। अप्लाई करने के लिए इन्होंने बार्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना होगा, उसके लिए आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस की, टेक्निकल ऑफिसर्स के ऑफिसर के लिए 5000 फीस रखी हुई है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 है और टेक्नीशियन के लिए 1000 है। और यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 और कैटेगरी सेकेंड के लिए 100 रुपये रखी हुए है। और यहाँ पर जो है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने रखा हुआ है, एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें आप दी हुई यहाँ पर जो है। इन एडिशन टू द एडमिट कार्ड इन मैंडेट कैरी एट लीस्ट 2 passport साइज, ये तो बाद की बातें हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कैरी करने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ बात कर लेते हैं सैलरी की। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 7 की ये पोस्ट है, तो इसमें 44,900 आपको सैलरी दी जाएगी। टेक्नीशियन रेंडर टेक्नीशियन के लिए 29,200 रुपये है, और टेक्नीशियन सी के लिए 25,500 और टेक्नीशियन बी के लिए 21,700 रुपये। यहाँ पर बॉन्ड दिया हुआ है, बॉन्ड कितने ईयर का होगा ये भी आप देख सकते हैं। तो
फ्रेंड्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है हम सब के लिए, तो इंडस्ट्री जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं बाय विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बार्क। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। सो फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।